बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुज़श्ता रात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शादमान टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। मोटरसाइकिल सवार फैमिली खुले नाले में जा गिरी, जिससे खातून और उनकी बच्ची जो है जान की बाजी हार गई। मां की लाश तो निकाल ली गई लेकिन बच्ची अब तक लापता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी तरह के एक और नाले जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। कल जो हादसा हुआ ये शख्स उस हादसे का जिम्मेदार है, क्योंकि कल का हादसा इसकी गफलत इनके नाइले की वजह से हुआ। कराची वो शहर है जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन बदकिस्मती से अब इस शहर को अगर सानियात का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिरकार इस शहर का क्या कसूर है जिसके साथ जुल्म किया जा रहा है? याद रहे, फिक्सिट ने कई बार नालों के सफाई के हवाले से कराची प्रेस क्लब पर पुरामन एहतजाज किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 14 साल से फिर हुकूमत है इस शहर में, फिर ने 14 सालों में इस शहर का बेड़ा घर कर दिया। शख्स को यहाँ खड़े करने का मकसद तमाम इदारे इस शख्स के जेर असर है। कोई इदारा काम नहीं कर रहा है। इसको यहाँ खड़े इसलिए कि इसको शर्म गैरत दिलाना है ताकि इदारे काम कर सके। मैं आखिर में कराची के सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा।